Hi friends, I'm Sapna Agarwal, Creative Director at ANSA, Architecture and Interior Design Consultancy. और आज हम कृष्णा पार्क आए हुए हैं एक 200 गज की साइट पे, जहाँ पे आर्किटेक्चर, इंटीरियर एंड स्ट्रक्चर सब हमने किया था. आज हम साइट टूर करेंगे. ये साइट बन रही है, अनदर मंथ एंड अ हाफ ये पूरी हो जाएगी. तो ऑलमोस्ट 90% पूरी है, फर्नीचर आ गया हुआ है. सो हाउ इट इज दैट स्टिल्ट फ्लोर है नीचे, उसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर पेरेंट्स का रूम है और एक ड्राइंग रूम है, किचन है इनकी. इसके ऊपर इनका बेटा और बहू रहते हैं और उनका एक छोटा सा बेबी है, वो रहता है. उसके ऊपर दे हैव टू गेस्ट रूम्स और उसके ऊपर दे हैव अ कम्बाइंड एंटरटेनमेंट एरिया. एक बार ये साइट पूरी देखते हैं और देखते हैं कि ये कैसी आ रही है, और साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊँगी कि इसमें डिज़ाइन एलिमेंट्स कौन कौन से यूज़ किए हुए हैं. लेट्स गो इनसाइट. अब हम स्टिल्ट में एंटर कर गए हैं. जैसे कि आपने एलिवेशन में देखा था, ये पूरा का पूरा बाहर से जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा न्यू क्लासिकल थीम में बना हुआ है. लेकिन जब हम स्टिल्ट में आ जाते हैं और इसके आगे ये पूरा हाउस जितना भी है सब मॉडर्न थीम में चलता है. दिस इज़ द पार्किंग एरिया. आगे लेफ्ट साइड पे वी हैव अ स्मॉल, वेरी स्मॉल वॉशरूम एंड अ गार्ड एरिया जहाँ पे वो गार्ड्स रेस्ट कर सकते हैं. वी हैव ऑल्सो गिवन एन ऑटोमेटिक गेट हियर बिकॉज अगर पेरेंट्स हैं वो ऊपर से खोलना चाहें, या रात को अगर कोई लेट आता है और अपने मोबाइल से खोलना चाहे तो थोड़ा सा ईज हो जाता है. लेट्स गो इनसाइड ऑन द ग्राउंड फ्लोर एंड हैव अ लुक नाउ. हम जैसे ही ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आते हैं, ये हमारा एक लॉबी एरिया है जिसपे कटआउट क्रिएट किया गया है जो डबल हाइट है, और फर्स्ट फ्लोर से भी ये स्टोन का काम दिखता है. जितना भी ये सामने काम हुआ है, ये सारा का सारा वर्ल्ड ऑफ स्टोन से कराया था. दिस इज एक्चुअली अ सैंडस्टोन जिसके ऊपर पूरी कार्विंग करके गोल्ड का काम किया गया है. और इस साइड पे एक मंदिर क्रिएट किया है. मंदिर में हमने ये जाली स्पेशली दी थी कि थोड़ा सा और सी क्रिएट हो जाती है कि आप जब चल रहे होते हैं तो मंदिर के बिल्कुल पास जूते लेके नहीं जाते हैं. यहाँ पे जो मंदिर बना हुआ है वो सफ़ेद पत्थर में बना हुआ है और उसमें स्विस वाइट का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसमें हल्का सा CNC कटिंग करके वो श्री राम लिखाया गया है. मेरे लेफ्ट साइड पे किचन है और किचन के साथ यहाँ पे एक ब्रेकफास्ट काउंटर है. पूरी की पूरी जो किचन है वो ग्रे यूनिट में बनी हुई है. बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है और बहुत ही न्यूट्रल ग्रे टोन लिया है सो दैट इट डजंट रियली स्पीक आउट अ लॉट. वो थोड़ा सटल चाह रहे थे हम उस डिज़ाइन को, क्योंकि ऑलरेडी इसके इस साइड पे थोड़ा हैवी डिज़ाइन उठ गया था. जितना भी टॉप है वो ग्रेनाइट में बनाया है बिकॉज ग्रेनाइट एक ही पत्थर है जो बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉन पोरस है, और समहाउ ब्लैक ग्रेनाइट ग्रे के साथ कॉम्प्लीमेंट भी बहुत अच्छा करता है. क्योंकि ये इनका गेस्ट एरिया है, यहाँ पर हमने एक पावर टॉयलेट दिया हुआ है जिसमें नीचे की तरफ गोल्डन टाइल्स लगी हुई है स्क्वायर्स में, और वॉल्स के ऊपर ब्लैक टाइल्स लगी हुई है जिसमें गोल्डन इंसर्ट्स हैं. द कंसेप्ट वाज बेसिकली गोल्डन ब्लैक. जब हम आगे आते हैं, ये इनका फॉर्मल ड्राॅइंग रूम एरिया है. जिस बिकॉज वी वॉन्टेड कि दोनों तरफ डिज़ाइन सेम रहे, तो ड्राॅइंग रूम एरिया और डाइनिंग एरिया में डिज़ाइन एलिमेंट बिल्कुल सेम रखा गया है. इस साइड पे पूरा का पूरा सोफा अरेंजमेंट आता है. बीच में विनियर विद गोल्ड इंसर्ट्स का काम हुआ हुआ है. दोनों तरफ न्यू क्लासिकल डिज़ाइन है. और यहाँ पर जब हम आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल आनी है, जिसके ऊपर एग्जैक्ट हमने शैंडलियर दिया है बिकॉज लाइट समहाउ फूड को बहुत एनहांस कर जाती है और वो समहाउ उसकी ब्यूटी और कलर को और प्रिडोमिनेंटली दिखा भी जाती है. बट वॉल पे जो भी पैनलिंग हुई हुई है वो एग्जैक्टली सेम है दोनों तरफ. अब ये घर जो है इसमें हमें बेनिफिट ये था कि सामने की तरफ और पीछे की तरफ दोनों तरफ से ये ओपन है. बैक साइड पे इनके पार्क है जो दिल्ली में कम मिलता है, तो हम उसका यूटिलाइज करना चाह रहे थे, इसीलिए इतनी बड़ी विंडोज दी गई हैं ताकि बाहर से जो ग्रीनरी है वो अंदर की तरफ झलक सके. इसी फ्लोर पे इनके पेरेंट्स का रूम है, आइए उसको भी देखते हैं. अब हमने पेरेंट्स रूम में एंटर किया है. वी वांटेड टू टेक अ म्यूटेड टोन हियर, सो हमने ग्रे और बेज का बीच का कलर चूज किया है. दिस कलर इज एक्चुअली कॉल्ड अ ग्रेज. यहाँ पर इसके आगे वी हैव अ क्विल्टेड बेड इन ग्रे कलर कमिंग इन. बिल्कुल सामने इसके एक प्लाज्मा यूनिट है, एंड क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्रंट फेसिंग है तो हमने उसका एडवांटेज लेते हुए बहुत बड़ा डोर क्रिएट किया है ताकि सनलाइट पूरी आ सके. इसके साथ हमने यहाँ पर एक और वार्डरोब दी हुई है. ये वार्डरोब इनलाइन फिटिंग पे बनी हुई है, यानी कि जब ये बंद होगी तो एक ही लेवल पे है, पर जब आप इसे खोलेंगे तो ये आगे आएगी और फिर स्लाइड होगी. ये जो फिटिंग है ये स्पेशली वहाँ दी जाती है जहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पहुँचना मुश्किल है, हाइट कम है, तो आप इसको पुल करके नीचे कपड़े टांग सकते हैं और फिर वापस छोड़ सकते हैं. लाइट्स जितनी भी इस वार्डरोब में लगी हुई है वो इसके साथ अटैच्ड है. हम जैसे इसको बंद करेंगे
वैसे ही लाइट्स बंद हो जाएगी और ये एक ही लेवल पे आ जाएगी, क्योंकि एक वार्डरोब एक कपल के लिए कम होती है. वी हैव आल्सो एडेड वार्डरोब्स इन द वॉशरूम, और जितना भी वॉशरूम है वो सारा ब्लैक, मेजरली ब्लैक एंड मेटल की कॉम्बिनेशन में बना हुआ है. सो द मिरर्स आर बेसिकली विद गोल्डन फ्रेम, और जो इसमें कट्स यूज किए गए हैं टाइल्स के साथ वो मेटालिक टोन में है. अब हम ऊपर जाएंगे और ऊपर के फ्लोर्स देखेंगे. अब हम जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, ये कटआउट ग्राउंड फ्लोर से विजिबल था, तो ये जो डबल हाइट वॉल है इसकी ब्यूटी पूरी की पूरी फर्स्ट फ्लोर से पूरी दिखती है. इनफैक्ट मंदिर भी यहाँ से पूरा दिखता है. मेरे राइट साइड पे यहाँ पर किड्स रूम है, लेफ्ट साइड पे इनका मास्टर बेडरूम है, और हमने एक छोटी सी पैंट्री क्रिएट की है यहाँ पे, क्योंकि उनका बेटा छोटा है. रात को अगर कुछ खाना हो या कोई पानी चाहिए हो या दूध बनाना हो तो नीचे जाने की जरूरत नहीं रहे. लेट्स गो इनटू द मास्टर बेडरूम फर्स्ट. हम मास्टर बेडरूम के अंदर एंटर कर रहे हैं. यहाँ पर जितना भी ये काम हो रहा है, पीछे पीयू हुआ है जिसके अंदर हम मेटालिक पेंट कर रहे हैं, विच इज इन अ स्लाइट ग्रीन टिंट. इसके आगे वी हैव अ ग्रे क्विल्टेड बेड, और जो क्विल्टेड बेड होगा ग्रे जनरली कॉम्प्लीमेंट्स वेरी वेरी वेल विद ग्रीन. ये ग्रीन टिंट और एनहांस हो जाएगा उस ग्रे को बेड लगते ही. यहाँ नीचे वुडन फ्लोरिंग यूज हुई हुई है. वुडन फ्लोरिंग में हमने हेरिंग बोन यूज किया है. हेरिंग बोन का मतलब होता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का कट है. अगर ये शेवरॉन होता तो 45 डिग्री का कट होता. इसके बिल्कुल साथ में हम अटैच ड्रेसिंग एंड अ वॉशरूम. लेट्स गो इनसाइड एंड हैव अ लुक. जब हम ड्रेसिंग के अंदर एंटर करते हैं, ये इनकी सारी की सारी वार्डरोब्स है. इसमें भी एक हल्का सा स्लाइट ग्रीन टिंट यूज किया गया है विद अ ग्रे इफेक्ट. द ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट दिस इज दैट इनका जो फ्लोर है उस पर हमने इंसर्ट्स यूज किए हैं टाइल के इन अ सर्कुलर फॉर्मेट टू मेक इट लुक लाइक अ कार्पेट. और जो यहाँ पे सीलिंग यूज हुई हुई है वो वेंचुरा से यूज हुई है, जिनके नए चारकोल पैनल्स आए हैं. बिकॉज अगर ऊपर एसी लगा हो उसको खोलना होता है तो somehow वो हमेशा ही जब एसी वाला सर्विस के लिए आता है तो गंदा कर जाता है. बट इस केस में जैसे आप देख रहे हैं ये खुला हुआ है और यहाँ पर भी कट्स हैं, बट ये इतने इनविजिबल हो जाते हैं कि आपको दिखने में ये ग्रूव बिल्कुल हल्के से दिखते हैं. यूज होते हैं, बंद हो जाती है सीलिंग सर्विस के बाद, तो भी आपको कहीं से गंदी नहीं लगती. मोस्ट ऑफ द एरियाज जहाँ भी हमने मिरर्स यूज किए हैं वो टच मिरर्स हैं. आप इसको टच करते हैं तो लाइट आ जाती है, और अगर आप टच बटन से बंद कर सकते हैं. ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि आप मेकअप करते हुए अपने फेस को क्लियरली देख सकें. जितने भी एनक्लोजर्स हैं इन पर पीवीडी कराया गया है, विच इज इन सिंक विद द कलर ऑफ द फॉसेट्स. तो फॉसेट्स पहले चूज हुए थे, बाद में इसका फॉसेट के कलर को मैच करते हुए यहाँ पे पीवीडी कराई गई है. लेट्स गो इनटू द किड्स रूम नाउ. दिस इज द किड्स रूम. किड्स रूम में जितना भी अभी काम आप देख रहे हैं वो अधूरा है, क्योंकि फर्नीचर नहीं लगा. इसकी ज्यादा ग्रेस इसके फर्नीचर के साथ है. यहाँ पर इनका एक बेड आएगा. यहाँ पर वी हैव दिस सर्कुलर पोलका डॉट्स व्हिच आर क्रिएटेड इन वेरी वेरी डार्क ग्रे एंड लाइट ग्रे कलर. इसके आगे वी हैव अ डीप ब्लू कलर क्विल्टेड बेड कवरिंग, एंड यहाँ पे एक पोस्टर लग रहा है जो बाद में चेंज भी किया जा सकता है जैसे ही बच्चे की एज बढ़ती है. अभी यहाँ पे एक टेडी बियर का पोस्टर आ रहा है, बट बाद में जब एज बढ़ती है तो हम उसको चेंज भी कर पाएंगे. यूटिलिटी को ध्यान रखते हुए वी ऑल्सो हैव अ स्टडी एरिया हियर जिसमें अभी एक बच्चा बैठ सकता है, बट इट इज एक्सपेंडेबल सो दैट आप दो बच्चे हो तो उनको भी बिठा सके. एंड यहाँ पे एक छोटा सा हमने प्ले जोन बनाया है, बट काफी हद तक क्लियर रखा है कि बच्चे के अगर कोई प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए उन्हें बैठना है, नीचे जमीन पे भी बैठना है, तो बैठने की जगह बने. इस रूम में स्पेसिफिकली हमने दोनों तरफ जो डोर्स हैं उनको इंटरनली पूरा का पूरा पैनलिंग के साथ मर्ज किया हुआ है, इसीलिए अंदर से डिजाइन बदल जाता है. और वुडन फ्लोरिंग का इस्तेमाल किया है ताकि जब बच्चा नीचे जमीन पर बैठ के भी काम कर रहा है तो फर्श ठंडा नहीं लगे. वुडन फ्लोरिंग अपने आप में थोड़ी सी वार्मथ लाती है. लेट्स गो इनसाइड द वॉशरूम नाउ. किड्स रूम में थोड़ा सा हमने एक प्लेफुल एलिमेंट लिया हुआ है. एक हल्का सा बेबी ग्रीन टिंट कलर है जिसके साथ वार्डरोब्स में व्हाइट का कॉम्बिनेशन करके शटर्स बनाए गए हैं, विच इज इन कॉम्प्लीमेंट्री टू द टाइल्स सिलेक्टेड ऑन फ्लोर, जो बिल्कुल ही उसी कलर का डीपर, थोड़ा सा डीपर वर्जन है विद व्हाइट अनइवन सर्कल्स. जब हम अंदर आते हैं तो जितने भी ये हमने एरियाज लिए हुए हैं जहाँ पे कोने होते हैं, यानी कि जिसको हम चौखट कहते हैं, यहाँ पर ये पूरी की पूरी स्टोन के फ्रेम में बनाई गई है. यही एक एरिया है जो सबसे ज्यादा आते जाते टूटता है,
अगर हम आप इसको स्टोन में बना देते हैं तो एक आते जाते अगर गीले हाथ लगते हैं तो ये खराब नहीं होता, और दूसरा ये कभी भी इसके कोने टूटते नहीं है। जब हम अंदर की तरफ आते हैं, यहाँ पे जितनी भी टाइल्स यूज की गई है वो सारी की सारी पेपर क्रश टाइल्स है। एलिमेंट ज्यादा ग्रीन का उठाया गया है, स्टोन में आप झलक देखेंगे ग्रीन की, यहाँ अंदर शार एरिया में ग्रीन की झलक है, एंड लाइट्स कॉम्बिनेशन में है। So we have these profile lights and a combination of COBs to give a very very beautiful effect to the washroom. Let's go to the other floors now. और अब हम second floor पे आ गए हैं, जहाँ पर इनका ये basically guest area है। यहाँ पे भी इनका एक बुआ जी का room है, दो guest room हैं जिसमें extended family आके रहती हैं, पर कई बार ज़्यादा देर के लिए रहती हैं, तो उनकी सहूलियत के लिए we have a pantry unit here. जो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई गई है। वी ऑल्सो हैव अ स्टोर जो इनकी फैमिली पूरा केटर करती है, एंड जो तीन रूम्स हैं उसके अंदर तो हम जाके देखेंगे ही। अब ये इनकी बुआ जी का रूम है, कंसिडरिंग द एज हमने डिज़ाइन को बहुत ही सोबर रखा हुआ है। यहाँ पर क्विल्टेड बेड आएगा, और हमने बेड स्पेसिफिकली स्ट्रेट रखी है बिकॉज उनकी ये स्पेसिफिक डिमांड थी कि मुझे अगर सीधा बैठना हो बैक स्ट्रेट करके तो मैं बैठ सकूँ, और कुशन रख के कम्फर्टेबली बैठना हो तो वो भी पॉसिबल हो। यहाँ पीछे वी हैव अ नाइस वेरी नाइस पेंटिंग कमिंग इन, दोनों तरफ मेटल का एक एज है, और यहाँ पर और उस साइड पे वॉलपेपर है। तो यहाँ ना वार्डरोब हमने थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कट में बनाई हुई है, सो जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू। जनरली वार्डरोब सीधी कटती है, इसमें हमने थोड़ा सा टेपर कट किया हुआ है। इसका वॉशरूम जो अटैच्ड है उसके अंदर मोरक्कन टाइल्स यूज हुई हुई है फ्लोर पे, और साइड पे जितनी भी वॉल है उस पर ग्रे टाइल्स यूज हुई हुई है। दोनों वॉशरूम्स बहुत सोबर हैं, उनमें डिजाइन एलिमेंट्स की बजाय ज्यादा ध्यान दिया गया है कि उसमें कंफर्ट पूरा रहे, तो उसको भी आप एक बार जरूर देखिए। और अब हम इनके सबसे इंटरेस्टिंग फ्लोर पे हैं, विच इज देयर एंटरटेनमेंट एरिया। ये पूरा का पूरा एरिया इनकी गेस्ट के लिए बनाया गया है। यहाँ पर एक बार है जिसके पीछे रफ स्टोन्स का मोज़ेक में यूज किया गया है। इसके सामने वी हैव अ नाइस डाइनिंग एरिया, डाइनिंग टेबल का मिले। यहाँ पर वी हैव अ सिटिंग एरिया जिसके उस साइड पे वी हैव अ टीवी यूनिट। देयर इज आल्सो अ पैंट्री बिकॉज जब पार्टी होती है तो ऊपर से नीचे खाना लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और साथ में एक पाउडर वॉशरूम है जिसका डिजाइन एलिमेंट बहुत सुंदर है। वी हैव अ हेक्सागन ब्लैक एंड वाइट पैटर्न ऑन द फ्लोर, एंड पूरी की पूरी जितनी वॉल्स है वो ब्लैक कलर में बनाई गई है। हम हमेशा स्टोन की बात करते हैं कि जब हम इटालियन चूज करते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखें। इटालियन चूज करते हुए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनमें से एक फैक्टर होता है बुकमार्क, जो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। ये पैटर्न जो बनता है, जितना भी ये डायमंड शेप में पैटर्न बनता है और जब वेन्स आके आपस में मैच कर जाती हैं, इसको बुकमार्क कहते हैं। ये बुकमार्क जिस पत्थर में अच्छे से मैच करता है वो उसकी सुंदरता को और निखारता है, और इसी का एग्जैक्ट ऑपोजिट आप इस जगह पर देख रहे हैं। पर ये लगाने वाले की कारीगरी होती है कि वो कितने अच्छे से उन लाइंस को मैच कर पाए ताकि वो इनविजिबल रहे। इसके बाहर वाले एरिया में चल के अब देखते हैं, क्योंकि ये इनसाइड आउट एरिया है, एंड दिस इज देयर आउटसाइड एरिया विच इज एक्चुअली जस्ट आउटसाइड द एयर कंडीशनड एरिया। और बाहर आते ही अभी हम थर्ड फ्लोर पे हैं, फिर भी हमें ऐसी फील आती है कि हम बिल्कुल ओपन टू स्काई एरिया में आ गए हुए हैं। सबसे ज़्यादा सुंदर बात इनकी ये है कि इनके बिल्कुल सामने यहाँ पार्क है और चिड़ियों के घोंसले हैं, जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा यहाँ तक आती है। इसके बैक साइड पे हमने एक थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट डाल के टाइल्स के साथ प्ले किया हुआ है, और मेजर इफेक्ट्स लाइट्स का है। मेरे अपोजिट साइड जो वॉल है उसमें भी मेजर इफेक्ट सिर्फ लाइट्स के डाउन लाइटर और अप लाइटर के साथ क्रिएट किया गया है। यहाँ पर पूरा आउटडोर फर्नीचर आएगा जो वेदर प्रूफ हो, ताकि वो बाहर सर्दी धूप सब तरीके से झेल पाए। इसके ऊपर वाले फ्लोर पे वी ओनली हैव अ टेरेस, सो दैट कभी बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है तो ये खुल के ऊपर का एरिया एक पार्ट बन जाता है, और वहाँ पर एक सोलर जनरेटर लगाया गया है, सोलर पावर जनरेटर लगाया गया है, सो दैट थोड़ा सा हम सोसाइटी को वापस कर पाएँ जो हम ले रहे हैं। आई होप यू रियली इन्जॉयड द टूर ऑफ दिस हाउस। और जब ये बन जाएगा एज यूजुअल हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम वापस आके यहाँ का पूरा टूर आपको दोबारा दिखा पाएँ। बट इन केस आपको इसमें मटेरियल से रिलेटेड या किसी डिज़ाइन एलिमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे लिए कमेंट्स छोड़ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स फॉर एनी काइंड ऑफ आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन कंसल्टेंसी फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे, बाय।